मतलब शादी होने वाली है तो मम्मा पापा को बहुत मिस करूंगी। उस बार पर मैं पूरी शादी रोती ही रहती हूँ, पूरी शादी रो रही हूँ मैं। हाँ, क्योंकि ये लड़कियों का रोना धोना चलता ही रहता है, बहुत नाटक करती है। पहली बात सीरियल में, रियल में नहीं। ये बहुत नाटक करती है, लड़कियों का तो नखरा होता ही है। ये इतने सारा रेडी होना पड़ता है ना इसको, कि उससे जल्दी तो मैं रेडी हो जाता हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट्स लगता है रेडी होने के लिए। शादी से पहले मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे शादी नहीं करना, और मैं कर भी लूँगा पर सिर्फ काशी से ही, क्यों किसी और से करवा दे आई, लेकिन आई नहीं मानती है, बोलती है तुझे काशी से ही करना पड़ेगा शादी। कर लूँगी, मतलब अपने फादर के लिए मेरे, मतलब मुझे सब लोग समझा देते हैं कि कर लो अभी, कर लो, तो मैं सबके लिए कर लेती हूँ। ऑब्वियसली बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा शादी कर रहा है, क्योंकि बहुत मन्नतें मिन्नतें करने के बाद वो राज़ी हुआ है। तो इट्स अ स्पेशल डे, और किसी भी लड़की की माँ के लिए या लड़के के माँ के लिए एक शादी, उसकी शादी का दिन बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो छोटी है, उसकी जिम्मेदारी है, और हम लोग बहू नहीं लाते, बेटी लाते हैं, अपनी बेटी को मैं लाऊंगी। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो जिम्मेदारी है और प्यार है, तो वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि औरतें हमेशा मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा करती है और एक साथ बहुत सारी चीज़ें संभालती है, तो चाहे वो बच्चे हो या घर का काम हो या बाहर का काम हो या अपना पति हो, ससुराल वाले हो, कोई भी हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतना ही चैलेंज भी बढ़ेगा। तो मैं ये कहूँगी कि हम जल्दी ही एक टाइम लीप लेने वाले हैं, और आप सब नए अवतार में सारे इन किरदारों को देखेंगे। जितना प्यार आपने हमें दिया है, उतना ही प्यार आप उन सबको दीजिए, और पेशवा बाजीराव एंजॉय करते रहिए।